वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसका एक सब सेक्शन है आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग। चल रहा है आपका क्लास नंबर 25। आप लोग डिस्क्रिप्शन को फॉलो करो, ठीक है। फेसबुक ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं की हो तो कर लेना आप लोग, और कुछ अगर पूछना होगा तो या तो मेल करना या तो फेसबुक पेज पे आप लोग मैसेज करना, तो वहां पे क्या होता है कि चांस ज्यादा होता है। वैसे 2-4 दिन से मैं जो है सो मेल का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कर दूंगा सबका, और कमेंट में रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा कमेंट आ जाता है। ओके, आप लोग देखो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें लेटरिंग एंड डाइमेंशनिंग के बारे में, और आपका क्लास चल रहा है 25, बट लेटरिंग एंड डाइमेंशनिंग का ये तीसरा क्लास है। ओके, तो देखो अभी आप लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा होगा ठीक से कि आप लोग पढ़ाई क्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर लगवाऊंगा तब आप लोगों को इसका फायदा पता चलेगा कि आप लोग जो पढ़ाई किए हो वो सही किए हो या गलत किए हो। काफी लोगों को लग रहा होगा कि लेक्चर आपका लंबा जा रहा है, लेकिन लंबा नहीं जा रहा है, आप एकदम से सही डायरेक्शन में टू द पॉइंट सही से पढ़ाई कर रहे हो। जल्दी जल्दी कर देंगे टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन कुछ नहीं होगा, याद रखना। हमेशा कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पे फोकस करो। डायमेंशनिंग के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो इसमें एक दो चीज है। देखो एक कमेंट आया था काफी दिन पहले कि सर डायमेंशनिंग और डायमेंशन लाइन में क्या डिफरेंस है, तो जिसने भी कमेंट किया होगा अगर आप लोग ये लेक्चर आज देख रहे हो तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। देखो डायमेंशनिंग क्या होता है ना, डायमेंशनिंग एक कह सकते हो कि सारे डायमेंशन का सेट होता है, मतलब हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, जैसे कि फिगर का हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, और कोई एक पार्टिकुलर को डायमेंशन बोलते हैं। ये भी एक डायमेंशन है, 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 लीडर लाइन आपका आता है। तो डायमेंशनिंग में क्या होता है, देखो अ सेट ऑफ एलिमेंट्स है ना, अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इंक्लूड्स एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लेडर लाइन, एरो हेड, डायमेंशन, सारे को मिला करके हम लोग उसको डायमेंशनिंग बोल सकते हैं। अब इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखो, पता चलेगा कि डायमेंशनिंग जो हम लोग इतना सीखे हैं कैसे इसका हो रहा है। आपको एक ही फिगर में हर तरह का डायमेंशनिंग मिल जाएगा। जैसे कि देखो ये 2 लाइन है, तो यहाँ पे ये 50 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था ना कि 50 ऊपर में भी लिख सकते हैं लाइन के, और नीचे में भी लिख सकते हैं, और मिडिल में भी लिख सकते हैं। ओके, एरो हेड दिए, ये आपका एक्सटेंशन लाइन है और ये आपका डायमेंशन है। ये लीडर लाइन है, ये लीडर लाइन है, और जब सर्कल का केस होता है आर्क के, जब लीडर लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैंने आपको बताया था ना इस पॉइंट पे कोशिश करना ये इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया, ये एरो हेड देख रहे हो ना, ये तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो आपका विड्थ होता है ये अगर 1 है तो ये जो आपका लेंथ है ये 3 होगा, मतलब विड्थ और लेंथ का रेशियो, या आप हाइट और लेंथ का रेशियो कह सकते हो 1:3 होता है। तो इसको क्या करना आप लोग याद रखना। ओके, और आपको यहाँ पे सारा चीज समझ में आ गया। ये एंगल देखो, एंगल में देखो कैसे हम लोग करते हैं, ऐसे है ना, तो अगर ये 45 डिग्री हो रहा है तो ऐसे नहीं कि हम लोग जो है सो ऐसे करके 45 डिग्री लिख दे, ऐसे नहीं होता है, मतलब ये लाइन को फॉलो करो, एक्सटेंशन लाइन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उस इस लाइन को फॉलो करो इसी डायरेक्शन ऐसे, और इस लाइन को फॉलो करो ऐसे, तो ये हम लोग का एंगल होता है, ऐसे करके हम लोग एंगल देते हैं, ये मान लो 45 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलो आगे देखो, ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है एरो हेड, क्या कहलाता है एरो हेड। ओके चलो आगे देखते हैं, देखो ये डायमेंशन है, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, और ऐसे भी दे सकते हैं। ओके, मतलब अगर 2 लाइन के बीच में डायमेंशन देना होगा तो हम लोग ऐसे करके और इधर से एरो हेड कर देंगे ऐसे, और बोल देंगे कि ये 7 है, और mm तो ऑटोमेटिकली समझेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जितना भी डायमेंशन हम लोग देते हैं तो हम लोग mm कंसीडर करके चलते हैं। अब देखो ऐसे हुआ, अगर आपको ऐसे देने का मन नहीं कर रहा तो आप
ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे करके 7 है ना, ऐसे आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे करके 7 आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे करके नीचे में 7 ठीक है, और आप ऐसे भी दे सकते हो ऐसे करके और लीडर लाइन का सहारा लेकर के ऐसे करके कि ये 7 है ऐसे ठीक है, ये लीडर लाइन हुआ। और लीडर लाइन का आपको कंसेप्ट बताया थे हम कि ये लाइन का एरो हेड और जिस लाइन का डायमेंशन देते हैं तो ये एंगल जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री होगा ठीक है। एंगल वाला आप लोग देख लो, देखो एक्सटेंशन लाइन कैसे फॉलो हो रहा है, देखो ये एरो इस तरह से आया हुआ है ऐसे करके है ना, तो ऐसे दे सकते हैं हम लोग 25 डिग्री। देखो यहाँ पे अंदर अंदर में लिखे हैं 25 डिग्री और आप बाहर में लिखे हो, मतलब ऐसे हुआ अगर हम लोगों का तो हम लोग अगर ऐसे करते हैं तो हम लोग देखो एरो दिए और अंदर में ये है आपका तो ये 25 डिग्री अंदर में लिखे, और यहाँ पे आप देखो कि ऐसे है तो ये है आपका और ये है आपका, और इस बार मैं क्या कर रहा हूँ बाहर में लिख रहा हूँ 25 डिग्री, तो दोनों सही है, बीच में भी लिख सकते हैं और बाहर में भी लिख सकते हैं, और ये सब आपको फर्क पता चलेगा उस टाइम जब आपका क्वेश्चन आंसर होगा। इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को 25 to 30 क्वेश्चन जो है सो डिस्कस कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनिंग पे, और उसके जस्ट बाद एक लेक्चर आएगा लेटरिंग के बारे में, और आपका जो है सो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और सिर्फ 2 चैप्टर आपका बचेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक प्रोजेक्शन एंड व्यूज। तो जब तक आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मुश्किल से 2 या 3 क्लास में खत्म होगा, और उसके बाद 1 महीना तक आप लोग पढ़ते रहना प्रोजेक्शन और व्यूज ठीक है, और पीछे से जो है सो रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर देंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन होता चला जाए ओके। चलो देखो अब यहाँ पे जल्दी जल्दी बात करते हैं, डायमेंशनिंग है तो एक होता है कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग, एक होता है पैरेलल डायमेंशनिंग और एक होता है मिक्स्ड कंबाइंड। तो कंटिन्यूअस क्या है तो पहले आप लोग ये देखो, देखो कंटिन्यूअस में क्या करते हैं कि ये जैसे कि आपका ये शेप है तो ये आउटलाइन है, ये क्या है आउटलाइन, जो फिगर दिखता है वो होता है आउटलाइन ओके। चलो अब देखो सारा डायमेंशन का हेड देखो एरो हेड, मतलब इसका यहाँ पे खत्म हुआ है और इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा डायमेंशन का हेड जो है सो आपस में कोलिनियर है, एक लाइन में है, अलाइन इन सच अ वे दैट एन एरो हेड ऑफ वन डायमेंशन टचेज टिप टू टिप द एरो हेड ऑफ द एडजेसेंट डायमेंशन ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। पैरेलल में क्या होता है कि सारा डायमेंशन आपका एक एक्सटेंशन लाइन कॉमन होता है, देखो ध्यान से इसका 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 और इसका सारे में ये एक्सटेंशन लाइन कॉमन है, तो ये पैरेलल का पहचान है, पहचानने का तरीका है, एक बात आपको ये याद रखना है। दूसरा बात कि जो डायमेंशन छोटा होगा उसको फिगर के नजदीक में रखेंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर मान लो आपका फिगर इस तरह का है, अगर आपका फिगर मान लो इस तरह का है ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो है सो पहले ये लिख दें, हम लोग पहले ये लिख दें 50 और उसके बाद हम लोग मान लो इसके बारे में लिखे, इसके बारे में ऐसे करके ये 10 है, और मतलब ये नहीं कि बड़ा वाला लार्जर डायमेंशन को क्लोज कर दिए और आपका स्मॉलर डायमेंशन को दूर कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले स्मॉल और लास्ट में लार्जर ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा, स्मॉलर डायमेंशन शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड नियरर द व्यू, ये आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखो कंबाइंड है, कंबाइंड मतलब क्या होता है कि सेम, सेम मतलब समझो मतलब दोनों तरह का मिक्स। अब जैसे देखो ये देखो आप यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये और आप क्या कह सकते हो ये दोनों आपका देखो सेम एक्सटेंशन लाइन है, तो ये आप कह सकते हो कि पैरेलल है, क्या है पैरेलल है,
और ये देखो आप, ये और ये दोनों का हेड पास में है। यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि गैप है, आप यहाँ भी तो दे सकते थे। इस 8 को आप यहाँ कर दो और इस 15 को आप यहाँ कर दो, तब तो हो जाता ना। तो ये आपका कंटिन्यूअस है, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि कंटिन्यूअस भी है और पैरेलल भी है, तो ये आपका हो गया कम्बाइंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। ये देखो, अगर आर्क का केस रहेगा आप लोगों का, आर्क क्या होता है, कोई सर्कल है उसका एक पार्ट, ये जैसे ये आपका आर्क हो गया। तो इसमें एक चीज आप बताओ, ये आर्क है तो ये आर्क को देख करके बताओ कि इसका सेंटर किधर होगा। तो आप बोलोगे सर इसका सर्किल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा तो सेंटर यहाँ होगा। मैं बोलूंगा ऐसे, अब बताओ आर्क किधर होगा। तो आप बोलोगे सर इसका सेंटर बनाएंगे सर्कल तो ऐसे बनेगा तो आर्क इधर होगा। मतलब आप क्या देख रहे हो, इस आर्क का सेंटर इधर है और इस आर्क का सेंटर इधर है। ये आपको समझ में आ गया कि सेंटर किधर होगा, सेंटर उस आर्क से जो सर्कल बनेगा उस सर्कल का जो सेंटर होगा वही उस आर्क के लिए सेंटर होगा। अब सेंटर को हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसे करते हैं, डॉट नहीं करते हैं। जैसे सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर अगर देना होगा तो ऐसे नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा। हम लोग ऐसे करेंगे, मतलब ये सेंटर है। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन को एक्सप्लेन करता है। तो ये आपका सेंटर का सिंबल है, तो देखो यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना ही नहीं, देखो डायमेंशन जो भी होता है, आर्क को हम लोग रेडियस के फॉर्म में लिखते हैं, सर्कल को हम लोग, सर्कल था मान लो इसका डायमीटर 20 था, इसका डायमीटर 20 था तो हम लोग कैसे लिखते थे, हम लोग मान लो ऐसे करके लिखते थे, ऐसे करके कि इस सर्कल का डायमीटर 20 है। बट आर्क के केस में हम लोग डायमीटर के टर्म में नहीं लिखते हैं, आर्क के केस में हम लोग रेडियस के टर्म में लिखते हैं। अब जैसे कि ये आर्क है तो इस आर्क से सर्कल देखो ऐसे बनेगा तो ये आपका सेंटर हो गया। अब रेडियस के टर्म में लिखते हैं, डायमीटर के टर्म में नहीं लिखते हैं। तो रेडियस तो इस तरह से ऐसे करके एरो कर दिए और लिख दिए आर 20, मतलब इस आर्क का जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना है, 20 है। अब आप एक चीज नोटिस करो, सारा आर्क से जो सर्कल है, देखो अब आप लोग इस पूरे पे मत चले जाना, मैं एरो से ये दिखा रहा हूं, मतलब आर्क मेरा सिर्फ ये है, सिर्फ ये है, यहां तक ही आर्क है। ठीक है, जैसे कि ये फिगर बनाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये हम लोग का आर्क, तो आर्क का मतलब पूरा नहीं होता है, ये कार्वेचर सिर्फ इसको देखो, यानी ऐसे सर्किल। ठीक है, तो ये आपका सेंटर हो गया इस आर्क के लिए, इस आर्क के लिए ये सेंटर, इस आर्क के लिए ये सेंटर और इस आर्क के लिए ये सेंटर। अब रेडियस 20 है तो आर 20 भी सही है और 20 आर भी सही है, मतलब आर को हम लोग डायमेंशन से पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रह सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, ये आर 10 भी सही है और ये आपका 10 आर भी सही है, दोनों सही है। अब देखो इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं लीडर लाइन के टर्म में, इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। एक चीज आप देखो, एरो एक ही होगा, अगर मैं यहाँ पे एरो दे दिया ऐसे तो लीडर लाइन में एरो नहीं है। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्या किया, एरो नहीं दिया तो लीडर लाइन में मेरा एरो है। समझ में आ गया आप लोगों को, मतलब एरो एक बार ही होगा, ऐसा नहीं कि मेरा अगर ऐसे है आपका तो ये सेंटर है, तो ऐसे नहीं कि ये भी कर दिए हम लोग और इधर से भी हम लोग ऐसे करके कर दिए, ऐसे नहीं करेंगे। अगर इसमें आप दे दिए तो यहाँ नहीं देना है और यहाँ दे दिए तो यहाँ नहीं देना है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो जैसे कि मान लो कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो सिलेंडर तो सर्कुलर होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम लोग इसका डायमेंशन कैसे देते हैं। तो जब हम लोग मान लो इसका फ्रंट व्यू देखते हैं या टॉप व्यू देखते हैं या लेफ्ट से देखते हैं या राइट से देखते हैं या बॉटम से देखते हैं, तो देखो जब आप इसका व्यू बनाते हो, मान लो मैं इसका फ्रंट व्यू बना रहा हूँ इस तरह का, ये मेरा व्यू बना, तो अब इस व्यू में मुझे डायमेंशन देना है। आप बोलोगे कि ये तो रेक्टेंगल है,
ये रेक्टेंगल है तो आप बोलोगे कि ऐसे करके 20 दे देते, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये व्यू किसका है? ये व्यू है सर सिलिंड्रिकल का, सिलेंडर का व्यू है ये, और सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आप ये देख रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्या होता, यहाँ पे आपका मान लो डायमीटर होता 20, तो इसी का ये बन रहा है ना, इसी का ये बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन यही वाला देंगे। याद रखना, यहाँ पे फंसोगे, ऐसा नहीं कि ये रेक्टेंगल है तो हम लोग ऐसे करके एरो देके, जैसे कि ये 40 है, ऐसे करके हम लोग एक्सटेंशन लाइन दे करके और 40 कर दिए और बोल दिए कि 40 मीटर या 40 मिलीमीटर, ये गलत हो जाएगा। ये रेक्टेंगल किसके लिए बन रहा है? ये रेक्टेंगल मान लो आपका इस सर्कल के लिए बन रहा है, तो इस सर्कल का डायमीटर कितना है? तो अगर इस सर्कल का डायमीटर मान लो 40 है, तो हम लोग ऐसे देंगे, तो यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग व्यू के हिसाब से डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, उसका ओरिजिनल फिगर के हिसाब से डायमेंशनिंग करते हैं, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि ये टैपर है। अब टैपर है तो देखो, इस टैपर में आपको दो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का बात किया जाए तो ऐसे, जैसे कि आपका ये होता ना बाल्टी बकेट होता है ना, ऐसे करके होता है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो आप इसका अगर फ्रंट व्यू देखोगे तो मान लो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो डायमीटर है। इसमें देखो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, इसमें आपको एक ही डायमीटर दिया हुआ है, और आपका क्या हुआ है, दोनों एंड फेस का मान लो डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपका टैपर का स्लोप दिया हुआ है, लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ लेना। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका सिर्फ आपका दोनों एंड के बीच का डायमेंशन दिया हुआ है, एक डाया दिया हुआ है छोटा वाला, और आपका बड़ा वाला नहीं दिया हुआ है। तो जैसा भी आपका दिया रहे, तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे इसका, अब देखो आप बोलोगे कि ये 40 mm है, ये 40 mm नहीं है, ये देखो, ये इस फिगर को देखो, इस सर्कुलर का ये डायमीटर है 40, ठीक है। और इसी का जब आप फ्रंट व्यू देखोगे तो आपका ऐसे करके बनेगा फिगर। तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग जैसा था वैसे ही लिख रहे हैं। मतलब क्या समझ रहे हो, कि जो मेरा ओरिजिनल फिगर होता है डायमेंशन उसी के हिसाब से देते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, ये टैपर है, तो ऐसा नहीं कि अगर ये टैपर है तो हम लोग को डायमेंशन देना होगा, तो हम लोग ऐसे करके देंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। हम लोग डायमेंशन स्ट्रेट देते हैं, सीधा, देखो ध्यान से, सीधा देते हैं। मतलब अगर ऐसे है हम लोगों का, तो हम लोग स्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेट, ठीक है, इस तरह से। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक्सटेंशन लाइन का लेंथ सेम ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया फंडा। चलो टैपर देखो कैसे यहाँ पे किया हुआ है, ये टैपर मान लो 1/5 का टैपर है, 1/5 का टैपर है मान लो, तो ऐसे करके लीडर लाइन के सहारे हम लोग किए हुए हैं। ये कोनिकल टैपर का सिंबल है, कोनिकल टैपर का ये सिंबल है, क्या ये वाला, ये तो लीडर लाइन है आपका जो बता रहा है। तो कोनिकल टैपर का सिंबल कैसे समझोगे, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है, ये एरो हो गया आपका, और ऐसे और ऐसे, देखो ये टैपर का ही सिंबल है ना, ये टैपिंग ही कर रहे हैं, है ना, ऐसे, तो ये आपका कोनिकल टैपर का सिंबल है। चलो आगे देखते हैं, ये कुछ डायमेंशनिंग का रूल है, आप लोग पढ़ लेना। डायमेंशनिंग का रूल क्या होता है, कि जनरली जितना भी डायमेंशन होता है वो हम लोग फिगर के बाहर देते हैं, ठीक है, फिगर के बाहर देते हैं। आप देखो, मैं आपको, देखो यहाँ पे आप डायमेंशन देखो, जो भी हम लोग डायमेंशनिंग किए हैं, यहाँ पे आप देखो, हम लोग क्या करते हैं, जनरली फिगर के बाहर देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखो यहाँ पे
फिगर के अंदर एक भी है नहीं, सारा का सारा बाहर है। चलो तो ये आप लोग देख लेना। और डायमेंशनिंग जो होता है आपका, अगर रिपीट होता है ना तो वो हम लोग बार बार नहीं देते हैं, ये भी याद रखना। अगर डायमेंशन रिपीट होता है तो वो हम लोग बार बार नहीं देते हैं, तो इस लाइन को याद रखना, हो सकता है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछ दे। और डायमेंशन लाइन जो होता है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लो इस तरह का फिगर है, तो अगर हम लोग जैसे कि ये देते हैं, ऐसे करके मान लो देते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करें, क्रॉस कर दें। क्रॉस करने का मतलब समझते हो क्या होता है, कि जैसे कि आप यहां दिए, मान लो कि आप ये डायमेंशन दिए ऐसे करके, ठीक है, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं इसका ये डायमेंशन, क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये रॉन्ग मेथड है। एकदम अलग अलग ऊपर कर दो, ये कर दिए तो अब आप यहाँ से इसका करो, यहाँ से आप इसका करो, ऐसा नहीं कि एक ही लाइन को इंटरसेप्ट करवा दिए आपस में, ठीक है। और जितना तरह का डायमेंशन है सारा डायमेंशन हम लोगों को देना है, सिर्फ रिपीट जो होता है उसको छोड़ करके, ठीक है। और ये सारा आपको समझ गया, देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ इच डायमेंशन शुड बी गिवन ओनली वंस, ओके। और इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना कि बिटवीन एनी टू एक्सटेंशन लाइन देयर मस्ट बी वन एंड ओनली वन डायमेंशन लाइन बियरिंग वन डायमेंशन, वन ऑफ द एक्सटेंशन लाइन मे बी कॉमन टू अनदर डायमेंशन इन अ पैरेलल डायमेंशन, है ना, कॉमन हो सकता है लेकिन क्रॉस नहीं, ओके। अब देखो ये फिगर देखो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। देखो ये डायमेंशन गलत क्यों है, क्योंकि ये आपका डायमीटर बता रहा था, हम लोगों को ये सिंबल यूज करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो ये डायमेंशन गलत हो गया, ये आपका सही है। उसी तरह से देखो आप, ये आप आउटलाइन देखो, ये आपका आउटलाइन है, ये आपका आउटलाइन है ना, ये आपका जो गोल्ड ब्लैक है आपका, ये आउटलाइन है। तो सारा डायमेंशन क्या किए हैं हम लोग, आउटलाइन के अंदर में कर दिए हैं, इसीलिए ये क्या हुआ, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। हम लोग कोशिश क्या करेंगे, सारा डायमेंशन को आउटलाइन के बाहर में करने का, सारा डायमेंशन को हम लोग आउटलाइन के बाहर में कर रहे हैं। देखो आपका ये 25, ये 15, 40, 10, 20, 30, 50, सारा डायमेंशन हम लोग क्या करें, बाहर में कर रहे हैं, ओके। तो ये आपका क्लियर है सारा चीज। चलो अब आप मान लो इस लाइन से, इस लाइन का मुझे देना है डायमेंशन, तो आप ऐसे दे रहे हो ऐसे, तो ये तो रॉन्ग है ना, ये तो रॉन्ग है, ये आपका गलत है। उसी तरह से जितना भी आपका स्ट्रेट वाला डायमेंशन है सारा हम बाहर में कर रहे हैं, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, ओके। चलो और एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसी तरह का ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, आप लोग देख लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है, चांस है कि डायमीटर सर्कल होता है, इसका डायमीटर मान लो इतना हम लोग लिखते हैं 25, तो ये डायमीटर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, है ना, ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग ये, ओके। चलो देखो अगर स्फेरिकल डायमीटर हो, ये तो सर्कल है, अगर स्फीयर हो, अब ये 3D का मैं बात कर रहा हूं, ये सर्कल है, ये आपका 2D है, ये स्फीयर है, ये 3D है, ये मान लो आप बॉल से समझो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे S लगा देते हैं, तो आपको क्या पता करना है कि इसका मतलब होता है डायमीटर और इसका मतलब होता है स्फेरिकल डायमीटर, समझे आप, R मतलब रेडियस और SR मतलब स्फेरिकल रेडियस, ओके। SQ फॉर स्क्वायर, CYL फॉर सिलेंडर, PCD फॉर पिच सर्कल डाया, EQSP फॉर इक्वी स्पेस। तो आपको क्या याद रखना है, देखो आपको ये 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 ये, ठीक है, और मैट्रिक थ्रेड के लिए आपको ये कॉनिकल टेपर मैंने आपको बताया था ना, ये फ्लैट टेपर के लिए ये, ठीक है, स्पॉट फेस SF स्पॉट फेस, और काउंटर बोर के लिए C- ऐसे करके कॉमा बोर, काउंटर संक के लिए CSK और लॉन्ग के लिए LG। तो मैंने जिसमें स्टार मार्क कर दिया है
इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, एमसीक्यू क्या होता है। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द सिंबल वी यूज फॉर डायमीटर, और ऐसे करके मैं चार ऑप्शन दे दूंगा, आप टिक आउट करोगे कि नहीं करोगे, वही होता है एमसीक्यू। तो थ्योरी पे मेन फोकस होना चाहिए, यहां से मैं 1000 एमसीक्यू बना सकता हूँ, ठीक है। तो मेन फोकस थ्योरी पे होना चाहिए। चलो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं 25 से 30 क्वेश्चन, मतलब मोर देन आप समझ लो 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को क्या है कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप लोग डायमेंशनिंग में कुछ सीखे हो, ठीक है। और उसके बाद एक लेक्चर आएगा और हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो सिलेबस आप लोगों का अच्छा खासा स्पीड में चल रहा है, आप लोग इसका टेंशन मत लो, बस इंतजार करो पीछे से रिवीजन टेस्ट का। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग मानसिक एग्जाम का तैयारी करो। थैंक यू।